दरवाजा खोलो, जस्ट लीव मी अलोन, ओके? रिया, आलिया, छोड़ देना उसे, बच्चे करते हैं कभी कभी ऐसा, जाने दे उसे, रहने दे अकेला थोड़ी देर, खुद बता देगी तुझे क्या हुआ है, और नहीं बताएगी तो तू पूछ लेना उसे क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही है? दरवाजा बंद करके बैठ, कुछ नहीं होगा उसे, तू आ मेरे साथ, चला जा। रिया, आ जा तू मेरे साथ, आ। ये लोग तो चले गए, सच्ची में दरवाजा बंद किया हुआ है, पर क्यों? अभी को बताना चाहिए ये बात। मतलब पहले हमें सरप्राइज देना था और अब शॉक देना है? अरे तुम बोल क्यों रही हो, सुन लेगा तू? हाँ बोल दिया तो बोल दिया, उसके सामने मत बोलना। हाँ हाँ, डोंट वरी। हाँ डोंट वरी हाँ, अभी रोकते नहीं तो उसके सामने बड़बड़ा देती। हाँ तो ठीक है ना, गलती हो गई मुझसे, अरे व्हाट्स द बिग डील, नहीं बोलूंगी उसके सामने, ठीक है, इतना क्या सुना रहे हो मुझे? वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि बोल बोल के ना आप ही कुछ बोल देंगे उसके सामने। अरे नहीं नहीं बाबा, आप कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा, प्लीज। तो मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ? बोलो। आ गया आपका चहिता, आपकी आंखों का तारा, आपका अपना राजा बेटा रणबीर कोहली। What's up? Hi guys, hi dad. किसकी मतलब मेरी शादी और किसकी मम्मी की, फिर से थोड़ी शादी करवा रहेंगे? अरे ए, नहीं नहीं नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बेटा, सुन सुन, फोन पे मैं तुझे ये कह रहा था कि मेरी तेरी माँ के साथ शादी के साइड इफेक्ट्स की बातें चल रही थी, तू ये समझ, सुन सुन मेरी बात सुन, यहाँ देखना, तू मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तू ये समझ गया कि मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कुछ। कुछ नहीं, मैंने सुना आपकी बात सुनी थी, मम्मी से आप बोल रहे थे कि रणबीर की शादी के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, मैंने सुना। अरे ठीक, आप ये बोल रहे थे ना कि रणबीर अभी छोटा है शादी करने के लिए, देखो मम्मी मैं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अच्छा खासा घबरू जवान हूँ यार, मेरी शादी कराने का बिल्कुल सही टाइम है ये, और आप बस ना एक अच्छा सा पंडित ढूंढो, उससे अच्छी सी डेट फाइनलाइज करो, मैं ऐसे फेरे मारूंगा 7 की जगह 14 फेरे मार लूंगा, पापा जस्ट गिव मी अ चांस यार। ओए हो की गया है तेनू, जब से आया है शादी शादी करे जा रहा है, समझदारी भरी बातें हैं हमारी। पहले तुम ऑफिस आओ, यू नो, अपने कारोबार को संभाल, अपने पैरों पे खड़ा हो, समझदार बन, उसके बाद। अभी 4-5 साल है बेटा, 4-5 साल गुजर जाए तो हम सोचेंगे तुम्हारी शादी के बारे में। 5-6 साल में प्राची की शादी कहीं और हो गई तो फिर जिन बच्चों को मुझे पापा पापा बोलना है वो मुझे मामा मामा बोलेंगे, क्या करूँ क्या करूँ। पलो 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 पलो, सुनो मैं क्या कह रहा था कि वो चलो चलो कमरे में, चलो कमरे में चलो। अरे वो ट्यूबलाइट फैन वगैरह वगैरह जो भी खराब है, फैन 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 फैन, वो मेरा चश्मा भी जरा देख लेना पुत्र। हाँ पुत्र, इतना छोटा भी नहीं हूँ मैं जितना इनको लगता है। ब्लेसिंग्स दे रही प्राची के मुंह से सुरा तूने? हाँ नहीं ना तो फिर। अरे एक ही तो बात है, उसकी मम्मी ने बोला, प्राची ने बोला, इट्स वन एंड द सेम थिंग, और उल्टा उसकी मम्मी ने बोल दिया तो मतलब सब कुछ ठीक तो है। सॉरी बॉस, बहुत इनकम्प्लीट लग रहा है। प्राची के मुंह से अपनी हाँ सुनना तेरे लिए बहुत जरूरी है ब्रो, नहीं तो पता कैसे चलेगा। वैसे यार पॉइंट तो है, मैंने प्राची के मुंह से अभी तक हाँ ही नहीं सुना। एग्जैक्टली। चल मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ सोचता हूँ, मैं कुछ बढ़िया सा प्लान बनाता हूँ, पर थैंक यू। थैंक्स थैंक्स, शोर तो प्राची को फोन कर, और जैसे ही वो हाँ बोलती है ना सबसे पहले भाई को फोन करना, समझा? अरे फोन क्या, तेरे मुंह में मिठाई डाल दूंगा मेरी जान। चल बाय बाय, टेक केयर। प्राची के मुंह से सुनना तो है, आई लव यू। काम करते हैं हम, प्रज्ञा से बात करते हैं, और शाना तेरी शादी रणबीर से करवा देते हैं, चलेगा ना? देख देख मुंह उतर गया। जान जो बसती है उसमें तो जान तो निकल ही जाएगी, नहीं लेंगे तेरे दूल्हे को, ठीक है? और हाँ मैं और प्रज्ञा जा रहे हैं आज शाम की तैयारी की, शॉपिंग करने के लिए, और तब तक तू अपने ससुराल वालों के साथ कैसे मिलना है ना उसकी प्रैक्टिस कर ले, यानी तू मदद करना, हेल्प हेल्प करना। हाँ जाए शॉपिंग के लिए, रणबीर तेरा ही है, तेरा ही रहेगा, ओके आंटी? शर्मा शर्मा अच्छी लगती है। बहन बहन मेरी पराई हो गई, इतनी इतनी बेइज्जती मेरी। एक ने मेरी बेइज्जती की पर एक ने इज्जत रख ली, रणबीर ने काफी से पहले मुझे फोन किया है, क्या बात है। हेलो, ओए ओए क्या बात है रणबीर, पक्का? हाँ हाँ डन है डन है, पर देखो मैं तुम्हारी इकलौती साली हूँ, तुम शादी में मुझे, मैं तुम्हारे जूते चुनाऊंगी ना तो पूरे 51,000 रुपए देना। क्या सच में तुम मुझे 1,00,000 रुपए दोगे? ओह माय गॉड रणबीर, मतलब तुम तो बड़े क्यूट हो यार।
बताऊंगी कैसे, और एंजॉय करना कितना अच्छा माहौल है, क्या सवाल पे सवाल पूछ रही है। तो कोई भी नहीं, ये रेस्टोरेंट खाली क्यों है यार? लॉकडाउन के बाद आया ना, तो शायद कोई कस्टमर नहीं आएगा, हम पहले। ये दरवाजा किसी ने बंद किया है शाना, हम यहाँ अकेले हैं, हम यहाँ किसी को जानते नहीं है, तो ऐसे आराम से कैसे रह सकती है? एक मिनट, वो जो मैनेजर है वो जानता है ना तुझे, वो उनको पूछ दरवाजा क्यों बंद किया, पूछ। जी रुक जा। हेलो, ये दरवाजा क्यों बंद किया? उसको सुनाई देगा, पागल है तू। हेलो एक्सक्यूज मी, कोई है? दरवाजा लॉक हो गया है, दरवाजा खोलो। चाची फूल लेके, कांच लेके, और तुम्हारी मम्मी ने देख लिया, फिर हम उनको देखते रहे, उनके सामने हमारा जो मोमेंट था वही चला गया। हालांकि उन्होंने हाँ बोल दिया, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। एंड आई नो उनकी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी हाँ मतलब सबकी हाँ, बट वो सब मैंने तुम्हारे लिए बोला था, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लिया। यहाँ पे सिर्फ तुम हो, मैं हूँ और कोई नहीं, यहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पे तुम मुझे आराम से बताओ कि तुम्हारी हाँ क्यों है और कैसे, इसीलिए मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगा। ठीक है, ओके। तो प्राची, तो क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी? तुम नहीं, तुम्हें भी नहीं, और मेरी लाइफ भी नहीं। और प्राची ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, तो मैं अपने आप को भी खत्म कर दूंगी। मेरा नाम, मेरा निशान, सब मिटा दूंगी। डैड, बूजी, सबने मुझे बोला कि वो मेरे लिए रणबीर को मना लेंगे, लेकिन तुमने तो अपनी लाइफ किसी और के नाम कर दी, तो फिर मैं जी के क्या करूं? तो लिव योर लाइफ रणबीर, एंड ऑल द बेस्ट। पहले करते ना तो ये सब नहीं होता। तुम पहले मत पूछो, सीधे सीधे बोलो हुआ क्या है। बोलना ही नहीं चाहती हूँ मैं कुछ भाई, क्योंकि मैं कुछ बोलूंगी तो आप मेरी बात पे बिलीव नहीं कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर आज आपने इग्नोर किया ना तो? हाँ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे हर बात पे तो भरोसा नहीं कर सकता ना मैं आलिया, और वजह तो तुम जानती हो। यार तुमसे बात ही नहीं करनी मुझे, कोई और बताओ। रिया हर्ट लग रही थी भाई, सैड लग रही थी, आंखों में आंसू थे उसके, और ऐसे चल रही थी जैसे उसकी बॉडी में जान ही नहीं है, जिंदा लाश। स्टॉप इट, ऑलराइट। मैंने तुमसे ये पूछा था कि हुआ क्या है, ये नहीं कि तुम्हें क्या लगता है। मैंने जो देखा मैंने आपको बता दिया, पहले ही कहा था मैंने आपसे कि आप मेरी कही हुई बात पर बिलीव नहीं करेंगे, इसलिए कुछ नहीं बता रही हूँ मैं आपको। नहीं करते प्रपोज। मैंने सोचा कि मैंने सोचा, मुझे लगा सोचना ही तो नहीं था। चलो सोचना बंद करो, बोलो जल्दी क्या बोलना। I'm right here. बोलो, बोलो, वो क्यों बंद है? बोलो। तुम मुझे डरा क्यों रही हो? हाँ तो माहौल ऐसा है तो मूड भी वैसे ही होगा, जल्दी बोलना जो बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। मूड माहौल दो मिनट में बना दूंगा तुम्हारे लिए, ये मेरा दिल है, और ये मेरा जो दिल है वो तुम्हारे लिए हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा से हमेशा के लिए। मेरा दिल तोड़ दिया तुमने, तो मेरी बात सुनो। मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ, क्या सुनूं मैं तो मुझे बोलने नहीं दे रही, तो मेरा दिल तोड़ रही। सुनो क्या कह रहे हो, ऐसे करोगे ना तो तू मैं हो जाएगी। तू मैं नहीं होने दूंगा, मैं तो प्लीज लड़ाई थोड़ी कर रही हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, तो मेरी बात सुन तो लो। मैं बोल रहा हूं ना। हां बोलो। कभी नर्वस होता ही नहीं, मैं दसवीं के बोर्ड के एग्जाम में नर्वस नहीं हुआ था, अब क्या नर्वस होगा? अच्छा, मतलब तुम उन्हें बता कर आए हो कि मैं प्राची को एक रेस्टोरेंट में लेकर जा रहा हूँ, मैं रोमांटिक गाना गाऊंगा, गिटार बजाऊंगा और प्रपोज करूंगा, है ना? मैंने घर वालों को बताया कि नहीं, क्या बोलूं अब? बोलो, चुप क्यों हो? कितना नर्वस हो रहा है, पर क्यूट भी लग रहा है। मैंने नहीं बताया अपने पेरेंट्स को। नहीं बताया? बताना चाहिए था ना, ये तो गलती कर दी। देखो हम यहाँ पे एक अनजान जगह पे है ना, अगली बार जब भी घर से निकलूंगा ना तो मैं मम्मी पापा दीदा दादी पड़ोसारी बंटी स्वीटी सबको बता के जाऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? ओए चकते फटे, नर्वस होने पे ना लड़कियों का नहीं लड़कों का भी हक है, ठीक है? ओके, आई ट्रस्ट यू। यू ट्रस्ट मी? थैंक यू प्राची, फाइनली भगवान, थैंक यू सो मच। हाय हाय, तो कितने क्यूट है, भले चाहे कितना लड़े झगड़े पर दोनों की जोड़ी है तो एकदम बेस्ट, एक नंबर।
रिया, रिया ओपन डोर। रिया देखो, अगर मुझे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो, पर ओपन डोर रिया। रिया दरवाजा खोलो। रिया तुम अपनी भूजी से बात करती हो ना? रिया दरवाजा खोलो, चौंक तुम रिया, दरवाजा खोलो। रिया लिसन, किसी एक के लिए ना ऐसा नहीं करते रिया। लव यू रिया, हम सब प्यार करते हो तुमसे, जस्ट ओपन द डोर रिया। रिया नो, नो रिया नो, शिट। हे रिया, हे रिया, रिया डोंट डू दैट। रिया प्लीज, रिया प्लीज, दरवाजा खोलो। रिया ये आई होप तुम्हें अच्छी लगेगी। बहुत मेहनत करी मैंने इसको सिलेक्ट करने में। ये एंगेजमेंट रिंग नहीं है, वो मॉम डैड की तरफ से होगी। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। देखो रणबीर, ये तो डायमंड रिंग है, बहुत महंगी होगी ना? तुम्हारी मुस्कुराहट से महंगी थोड़ी है रणबीर, इतना महंगा तोहफा मैं नहीं ले सकती, प्लीज। मुझे लगा था मुझे यूज नहीं करना पड़ेगा, बट पता आदमी रो रही थी, वो चिल्ला रही थी, कितना दर्द हुआ होगा उसे, वो रो के चिल्ला रही थी, बोल रही थी पापा हेल्प मी, सेव मी। उसने अब तक लाइफ देखी नहीं, पता नहीं क्या देखी है लाइफ में, क्यों उसने इतना बड़ा कर... और मैं गुस्सा आ रहा है मुझे अपने आप पर, पता है गुस्सा आ रहा है मुझे अपने आप पर, के बाप होकर मुझे पता नहीं कि मेरी बेटी के दिमाग में चल क्या है। अभी मुझे पता है, कुछ सुना दिया और प्राची चाहती थी कि वो उससे माफी मांगे, एंड यू नो रिया वो कभी नहीं झुकती, और जब वो गलत नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं, बस इसी बात का बदला लेना चाहती थी वो। जब उसे पता चला कि रिया रणबीर को लाइक करती है तो धीरे धीरे वो रणबीर के क्लोज आने लगी, झूठे प्यार का ड्रामा किया उसने रणबीर के साथ। शी वॉन्टेड टू इमोशनली हर्ट रिया। मैं ये सब नहीं मानता, आप मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने आपसे कभी नहीं कहा, क्योंकि जब बात प्राची की आती है आप किसी बात पर बिलीव नहीं करते। प्राची रणबीर के क्लोज आने लगी, पर ये बात रणबीर did not like it, इसीलिए बार बार वो उससे लड़ाई करता था। तुम bits and pieces उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए उसने आप पर confide नहीं किया, and she thought of committing suicide. अपने आप को मारने की कोशिश की है रिया ने, प्राची की वजह से, आपकी चहेती प्राची की वजह से। भाई मुझे नहीं पता था कि रिया इतना बड़ा स्टेप उठाएगी, लेकिन अब जो हुआ उसका फायदा रिया को ही होगा। मैंने माया और उसके बॉयफ्रेंड को पैसे दिए, वो झूठा वीडियो बनाया ताकि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करें। साइड अपने आप को मारने की कोशिश की है रिया ने प्राची की वजह से, आपकी चाहती प्राची की वजह से। भाई मैंने उन दोनों का रिश्ता भी फिक्स किया था, फिर रिया ने ऐसा क्यों किया? मैंने आप लोगों को जो दिखाया है वो किसी को नहीं पता है सिवाय रिया के। जब रिया को पता चला कि वो रणबीर को हार चुकी है, वो प्राची का हो चुका है, तब उसने अपने आप को खत्म करने का सोचा। मिस्टर मेरा, आपका हाथ भी जला है, ट्रीटमेंट करना होगा। मैं ठीक हो चुके। रिया कैसी है? अभी पता। चलिए सिस्टर, चलिए आप। हाँ, पहना दो तुम मुझे अपना प्यार। प्राची, प्यार और भरोसा ये तो पंछियों की तरह होते हैं, अगर एक पंछी उड़ जाए तो दूसरा भी कुछ टाइम बाद उड़ ही जाता है,
लेकिन मैं कभी दोनों को उड़ने नहीं दूंगा। मैं हमेशा दोनों को साथ रखूंगा, कभी अपना प्यार कम नहीं होने दूंगा और कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। हाय, मैं मर जाऊं। अपने प्यार से प्रपोज करेगा तो कौन आनी बोलेगा। कितना क्यूट है रणबीर। अंदर से कितना अकेला फील कर रही होगी, कितना कितनी डिस्टर्ब फील कर रही होगी। उसने इतना बड़ा कदम उठाया, अमेजिंग, किसी को कुछ नहीं बोला उसने, शी जस्ट ओपन। और मैं जानती थी, मुझे पता था रिया रणबीर से प्यार करती है, रणबीर रिया से प्यार करता है, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, घर में किसी को नहीं। मैंने कुछ तो बोला होता, तुम्हें कुछ बताया होता, अभी को कुछ बोल दिया होता, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। अगर मैंने कुछ बोला होता तो, अगर प्राची रणबीर की मदद ही करना चाहती थी ना, तो हम में से किसी को भी बता तो देती, हमें इन्फॉर्म कर दिया होता। लेकिन नहीं मम्मी जी, उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्राची रणबीर से शादी करना चाहती थी। अगर माया ने आकर शादी नहीं रोकी होती तो अब तक प्राची रणबीर की शादी हो जाती, रिया से उसका बदला भी पूरा हो जाता। मम्मी, अगर माया और प्राची दोस्ती होते, वही दूसरे से मिले ही हुए होते। तोड़ दिया मेरे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। पहले रिया को रणबीर से दूर किया और अब मुझे दूर करना चाहती, और तू देख नहीं पा रहा है। रिया को मेरे से कब दूर किया प्राची ने? क्या बोल रहा आप? मैंने फोन पे तुझे सिर्फ इतना बताया कि रिया ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। तुझे ये नहीं बताया रणबीर, रिया ने तेरी वजह से और प्राची की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो लेटी क्यों? बताओ मुझे, क्यों लेटी है वो? अभी सिस्टर कह रही है ना वो ठीक है, तो ठीक ही होगी। अरे दादी, वो ठीक है तो मुझे बुला क्यों नहीं रही है? पूछो इनसे, अपने डैड को बुलाया। ठीक है तो मुझे मिलने क्यों नहीं दे रहे वो लोग? जाओ अपने डॉक्टर को बुलाओ। Go call your doctor right now. Go. अभी थोड़ा शांत हो जाओ प्लीज। आप अभी जाएं यहाँ से प्लीज। दादी वो ठीक है तो मैं मिल क्यों नहीं सकता हूँ? भाई आप प्राची का गुस्सा नर्स पे क्यों उतार रहे हैं? आलिया तुम अभी सब बातें छोड़ो, तू भी थोड़ी शांत हो जाना। क्यों शांत हो जाऊं? मैं कुछ गलत कह रही हूँ? अलिया जो तू कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। मैं आपको गिल्टी फील कर सकी, ये होता तो वो हो जाता, वो होता तो वो हो जाता। पर दादी हम भी क्या करें, अभी वो नर्स के ऊपर गुस्सा हो गया। तो क्या हुआ, गुस्सा है आ जाता है, नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी का दुख भी तो देखना कितना बड़ा। प्राची अच्छी है या बुरी है ये सब हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। इस वक्त तो आप लोग एक ही प्रार्थना कर कि रिया जल्दी ठीक हो जाए। हम सब यही चाहते हैं कि रिया ठीक हो जाए, पर आई एम सॉरी मैं चुप नहीं बैठूंगी। प्राची की वजह से मेरी रिया मरते मरते बची है, बुआ हूँ मैं उसकी, मुझे भी दुख हो रहा है और आप भी मेरा गुस्सा समझिए। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। जाना तुझे जो बोलना है बोल, प्लीज उसका मजाक मत उड़ा। ठीक है अब मैं कुछ बोलूंगी ना तो भी तुझे बुरा लगेगा, मेरे बोलने से प्रॉब्लम हो रही है ना, मुझे कुछ नहीं बोलना। अरे तू अच्छा ठीक है, इस बारे में ना हम बात नहीं करते। हाँ हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं है बात करने का, और रिया के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जा रही हूँ सैंडविच बनाने, खाना तो बता देना वरना मैं खा लूंगी। गॉड पता नहीं क्या हो रहा है, बस वो रिया जो चाह रही है ना उसे मिल जाए। रणबीर को पूछूं फोन करके रिया कैसी है? नहीं करना होगा तो वो खुद ही फोन करेगा। फैसला इतनी जल्दी सुना दिया, प्राची से पूछा ही नहीं कि वो ये शादी करना भी चाहती है। ये कोर्ट मैरिज करवा रही है तू, कि प्राची की हाँ सुनना जरूरी हो। तूने देखा नहीं दोनों में कितना प्यार है, और रणबीर ने तो हमारे सामने प्रपोज भी किया। हाँ बात आपकी सही है, लेकिन सरिता जी आजकल के बच्चों के लिए ना प्यार और
शादी दो अलग चीजें हैं। मतलब प्यार तो दूर रहकर भी कर सकते हैं, लेकिन शादी में साथ रहना पड़ता है, जिंदगी भर का साथ निभाना पड़ता है। पता नहीं प्राची, पागल हो गई है तू? नहीं मतलब एक बार प्राची अपने मुंह से हाँ कह देना तो ठीक है। तेरी इतनी इच्छा है ना तो पूछ ले प्राची को, फोन करते हैं। प्लीज 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 प्राची से नफरत मत कीजिए, प्राची बहुत अच्छी लड़की है। क्या क्या कह रहा है तू? प्राची बहुत अच्छी लड़की है, she's my... क्या बोलना है तुझे, बोल। रणबीर तू मेरे साथ चल, तू अभी अभी चल यहां से। नहीं दीदा, नहीं दीदा, अगर मैंने अभी नहीं बोला मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा इनके सामने, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाएगी, मुझे इनको बताना पड़ेगा। ओके 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 ओके, बोल बोल बेटा क्या बोलना है, बोल। डैड मैं प्राची से प्यार करता हूँ, करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके। तुझे पता है ना कि मासी और सीता आंटी दोनों शॉपिंग पर गए, और तू मासी का फोन उठा के ना उनको रिया की न्यूज देगी और सब अपशगुन हो जाएगा, और वैसे भी रिया सब पे भारी है, आज उसकी वजह से रणबीर बेचारा प्रपोज करते कहते रह गया। नहीं नहीं शाना, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकती मासी जी, नहीं प्लीज। देख तुझे पता है ना कि मासी के दिल में रिया को लेके एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो प्लीज मत बता यार। तुझे पता है ना तेरे एक्सीडेंट के बाद आज मासी कितना खुश है, प्लीज उन्हें उदास मत कर, खुश रहने दे। इतना मत सोच, रणबीर ने कहा था ना कि वो फोन करेगा जब सब ठीक हो जाएगा, तो बस उसके कॉल के आने का वेट कर, फिर बता देना मासी को प्लीज। लेकिन अब माँ गुस्सा करेगी कि फोन क्यों नहीं उठाया। एक सेकंड। हाँ माँ, अपना फैसला सुना दिया, लेकिन तो तूने कुछ मतलब तुझे समझ रही है ना कि क्या पूछना था? मतलब मैंने जो फैसला किया है मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? माँ आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, और वही होगा जो आप चाहेंगे। हाँ तो बस फिर मेरा फैसला यही है कि रणबीर ही मेरा दामाद बनेगा। अच्छा सुन, हमें ना यहाँ मार्केट में थोड़ा और वक्त लगेगा, थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। ओके जी। मैंने कहा था ना प्राची भी रणबीर को इतना ही पसंद करती है, हो गई ना बात। चलिए चलो चलो। डॉक्टर रिया इज फाइन, उसे होश भी आ गया है। उसका बर्न परसेंटेज कम था, उसे टाइम पे फायर से बचा लिया, उसे टाइम पे ट्रीटमेंट मिल गया, ही सेफ। थैंक गॉड। वो फायर से इतना घबरा गई थी इसीलिए वो बेहोश हो गई, पर अभी सब ठीक है। क्या मेरे प्रिया से मिल सकते हो प्लीज? हाँ हाँ मिल सकते हैं, लेकिन एक एक करके, वो अभी सदमे से बाहर नहीं आ पाई होगी। तो जस्ट केयर ऑफ दैट, आई विल टेक फुल केयर डॉक्टर। या थैंक यू। एक्सेप्ट। एक बात बता मुझे रणबीर, सच सच बताना, तुझे कभी भी रिया से प्यार नहीं हुआ? नहीं, कभी लाइफ में कभी नहीं हुआ मुझे रिया से प्यार, कभी नहीं, नहीं कुछ नहीं था, नेवर नेवर। अब अपनी माँ से झूठ बोलेगा तू? झूठ नहीं बोल रहा मम्मी, आई स्वेयर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? नहीं नहीं तू का झूठ बोल रहा है, झूठ हम बोल रहे हैं। रणबीर या तो तू झूठ बोल रहा है या तो तू कम्प्लीटली भूल चुका है। तूने उस दिन साफ साफ मुझे किचन में कहा था कि तू रिया से प्यार करता है, वो लड़की इसी घर में रहती है, यही कहा था ना तूने? नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा था मम्मी, मैंने ये कहा था कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, पर मैं किससे प्यार करता हूँ मैंने आपको नहीं बताया था। और हमारा फाइनल फैसला यही है, प्राची नहीं, तेरी लाइफ में रिया ही रहेगी। नहीं मैं नहीं, क्यों आपने मुझसे पूछा? तुझे जरा सा भी तरस नहीं आता उस लड़के, तुझे पता है रणबीर तेरी वजह से उसने क्या हालत कर रखी है अभी, वो बेचारी खुद। क्या लगा रणबीर तुझे, रिया मूडी है, उसका बस मूड हो गया, आज मूड बन रहा है सुसाइड कर लेते हैं, यही ना? तुझे कोई आइडिया नहीं है, चल चल मैं बताती हूँ उस लड़की ने तेरे लिए तेरी वजह से क्या किया है, चल चल मेरे साथ चल। सेम फीलिंग डैड, सेम। रणबीर मुझे नहीं मिला तो मैं कब जाऊंगी, मैं कैसे जीऊंगी? बात नहीं करेंगे,
डॉक्टर झूठ बोलना बंद कर दीजिए कि आप उससे प्यार करते हैं, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको ये भी प्रूफ करना होगा जिसका साथ वो चाहती है उसका साथ वो पा सकती है। प्राची ने रिया से बदला लेने के लिए सिर्फ रणबीर की फीलिंग के साथ नहीं खेला है भाई, आपकी फीलिंग के साथ भी खेला है। बाप बेटी का गेम खेल के उसने आपको अपनी खुद की बेटी से दूर कर दिया। मुझे आपको ये सब बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है भाई, पर मैं चाहती हूँ कि आप कुछ करें। आज तो आप रिया के साथ थे इसलिए आपने उसे बचा लिया, लेकिन सोचिए कि अगर आप रिया के साथ ना होके प्राची के साथ होते तो। मेरी छोड़िए भाई, आप तो अपने आप को माफ नहीं कर। अगर फीलिंग्स फ्रेंडशिप वाली है तो फिर रणबीर मुझसे शादी क्यों करेगा? वो प्राची को लाइक करता है तो शादी भी प्राची से नहीं करेगा रिया, क्योंकि मैंने जो किया है ना उसके बाद वो प्राची से नफरत करेगा और भाई भी उससे नफरत करेंगे। उन दोनों का प्यार सिर्फ मेरी रिया को मिलेगा, उन दोनों को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसा क्या क्या है पूछे? तुम क्या चाहती हो कि रिया कैसी हो? मैं समझी नहीं। जैसे चाहती हो ना वो वैसे ही है। तुम भी जाकर अपनी माँ को बुला, मुझे उनसे बात करनी है। को कॉल है? आप इतने गुस्से में? I said just go call her, right? जाओ अपनी माँ को बुला। माँ घर पर नहीं है। एक और झूठ, तुम सिर्फ झूठ ही झूठ बोल रही हो मुझसे, लेकिन अब मैं तुम्हारी किसी झूठ किसी धोखे में नहीं आने वाला। मॉम घर पर नहीं है। अनुराधा जी। सर आप किसे बुला रहे? तुम्हारी मॉम को। अनुराधा जी। उनका नाम अनुराधा नहीं है। चाची को सब दिखा देते हैं, वो वीडियो कॉल करके रणबीर को बता देगी। उसके घर वालों की पसंद नापसंद उसे पता होगी ना, अगर कुछ नहीं पसंद आया तो चेंज करवा लेंगे। दुकान वाले को फोन करेंगे ना तो घर पे आके दे जाएगा। लेकिन ऐसा कौन करता सर? आजकल सब कुछ ऐसे ही होता है। पहले जमाने में माँ बाप लड़का या लड़की ढूंढते थे फिर शादी होती थी, पर आजकल बच्चे सब कुछ खुद कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, वो नेट बोलते हैं ना नेट, उसमें ही सब कुछ काम हो जाता है। शॉपिंग भी वो लोग वीडियो कॉल पे दिखा देते हैं और पसंद भी कर लेते हैं। ना किसी के घर जाना आना मिलना करना कुछ नहीं, सब कुछ बदल गया है। ए चंदू की चाय नहीं बदली, चाय पीते चाय ना। ये है वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी, मजा आ गया। ए प्रज्ञा, अब ये मत सोचना हा? कि नहीं नहीं जाते जाते पैसे दे के जाएंगे। नहीं, कुछ और सोच रही थी। क्या? प्राची की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, आपको नहीं लगता उसके पापा को पता होना चाहिए? जरूर पता होना चाहिए। अरे बेटी के लिए बाप के आशीर्वाद भी इतने ही मायने रखते हैं। फोन कर। है ना? कि वो सारे लोग सच बोल रहे थे, all of them. Don't do that. तुम्हीं मुझे ऐसे innocent look मत देना, all right? मत देना, जाओ। तुम जाकर अपनी माँ को बुलाओ ना। मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी असली बताना चाहता हूँ। जिसको call her, please. मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारी बेटी ने suicide क्यों commit की? तुम्हारी वजह से उसने अपनी जान लेने की कोशिश की और तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी को खोने वाला था। तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ए, हम प्राची की सगाई के बारे में तो बात कर सकते हैं ना? सब अच्छे से हो जाएगा ना? मतलब मैं मिली हूँ उन लोगों से लेकिन फिर भी घबराहट हो रही है। बस सब अच्छा हो जाए। एक काम करते, मैं पंडित जी को जानती हूँ, उनसे टाइम पूछते, वही मुहूर्त में सगाई करेंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी पंडित जी के पास जाएंगे ना तो देर हो जाएगी।
अभी घर चलते हैं। पर चाय 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 पीते हैं। चाय बाद में मैं घर पे बना दूंगी, आप चलिए। थोड़ी देर बैठना। देर हो जाएगी, आप प्लीज चलिए। चलिए चलिए घर चलिए। थैंक यू भैया। चलिए चलिए कल आऊंगी चाय पीने। आने की कोशिश कैसे कर सकती है? मैं वो वजह ढूंढी रहती हूँ, आपने मुझे वो वजह बना दी। आई नो मुझे तुरंत हॉस्पिटल आ जाना चाहिए था, पर तुमने अपने आप को रोक लिया ना, क्योंकि तुमसे देखा नहीं गया कि रिया बच गई है। ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं है तो तुम मुझे फोन कर सकती थी, तुमने फोन किया मुझे। सॉरी मुझे। सॉरी किस लिए? मुझे बताओ सॉरी किस लिए? फॉर मेकिंग मी बिलीव इन यू। तुम अच्छी थी नहीं थी फॉरगेट दैट, मैंने तो हमेशा तुम्हें अच्छा समझा ना। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए प्राची, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? जब तुम पर चोरी का इल्जाम लगा था तब मैंने तुम्हारा आपको मुझसे छीनना चाहती है। मैं बचपना समझ के मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दी कि नहीं नहीं नहीं, जिसकी लाइफ में फादर ना हो, जो जानता है कि बिना फादर के लाइफ कैसी हो सकती है, वो किसी की लाइफ से फादर क्यों छीनना चाहेगा? What's wrong? तुम झूठी हो यार, यू आर अ लायर। तुमने रिया की लाइफ से ना सिर्फ मुझे बल्कि रणबीर को भी दूर रखा, तुम उसकी लाइफ से हर खुशी छीनना चाहती थी, और ऐसा होने लगा था प्राची, ऐसा होने लगा था, एंड इस वजह से उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। शी ट्राइड टू बर्न हरसेल्फ, डू यू नो दैट? मैंने ऑफ कोर्स करी, मैं पर मेरी सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, मुझे कह रहे हैं कि अपनी जबान से ना प्राची का नाम मत लेना। सोच क्या बोल रहे हैं यार? ये क्या हो रहा है? अचानक अंकल आंटी प्राची का गेस्ट कैसे हो गया? उन्होंने कोई वीडियो देख ली जिसमें माया है, उसमें माया बोल रही है कि प्राची और वो दोस्त है, और प्राची ने माया को प्लांट किया मेरी लाइफ में ताकि रिया और मैं अलग हो सके। व्हाट रबिश! आई नो मैं क्या करूं, बट समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूं। तो सबसे पहले एक काम कर, प्राची को फोन कर, उसको बोल यहाँ हॉस्पिटल में नहीं है। मेरी अभी साना से बात हुई है, साना ने कहा कि प्राची हॉस्पिटल में आ रही है रिया को मिलने, उसको फोन कर, उसको बोल यहाँ नहीं आए। नहीं 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 नहीं, प्राची हॉस्पिटल नहीं आ सकती, वो आ गई यहाँ पे तो ये लोग। Exactly, रोक उसको जल्दी। तो भी अशीम शर्मिंदा होते हो, मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हारा डैड होता ना तो मुझे जिस इंसान ने मुझसे एक बार कहा था कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी, मैं उसी इंसान की शर्मिंदगी की वजह कैसे बन सकती हो ना तुम? क्यों नहीं बन सकती हो? टेल मी व्हाई। बन सकती हो तुम, अगर मन में बदले की भावना हो ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ऑलराइट? नहीं सर, रिया से बदला मैं ऐसा सोच। स्टॉप इट, अपनी ये झूठी बातें बंद करो। अब तुम्हारा कोई 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 भी झूठ नहीं चलेगा। ऑलराइट? मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आलिया ने दिखाया मुझे वो वीडियो जिसमें साफ दिख रहा है कि तुम और माया दोस्त हो। हां हो ना? हम लोग दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, और हम लोग मजाक किया करते थे यार कि हम अपनी दोस्ती को ना रिश्तेदारी में बदल लेंगे। लेकिन जब पता चला कि रिया और रणबीर दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस हो रहे हैं ना, तो हम भी सीरियस हो गए। और इससे पहले कि मैं उन दोनों के रिश्ते की बात अनाउंस कर लेता, तुमने रणबीर को रिया की लाइफ से दूर कर दिया। डू यू रिमेम्बर? तुम्हें याद भी है कि मैं क्या कहा करता था? याद है तुम्हें? मैं कहता था कि तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे अपब्रिंगिंग की वजह से मैं तुम्हारी मॉम का सबसे बड़ा फैन हूँ। मैं बहुत तारीफ करता था ना उनकी, लेकिन अब मुझे सबसे ज्यादा अफसोस तो नहीं माँ को लेकर हो रहा है। अरे बात ही नहीं करनी मुझे उनसे, और उन्हें बता देना कि मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। मतलब आज उसकी शगुन की बात हो रही है ना, उसके बारे में बोलिए ना। देखिए बहन जी, यदि आप हमारा कहा मानिए तो ये रिश्ते की बात ना ही कीजिए तो ही अच्छा है। बात ना करें क्यों? देखिए वो लड़की वाले सामने से आने वाले हैं शगुन लेके। क्या हुआ? रिश्ता ठीक नहीं है? रिश्ता नहीं बेटा, आज का दिन ही अच्छा नहीं है। आज का दिन आपकी बेटी पर बहुत भारी है, और ये बात हम नहीं ग्रह नक्षत्र बोल रहे हैं। पंडित जी बुरा मत मानिएगा, मैं मानती हूँ इन सब चीजों को, लेकिन इतना नहीं कि लोगों से बात करने से पहले मैं ग्रह नक्षत्र देखूं। वो एक्चुअली मैं सरिता जी से बात कर रही थी। नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि शगुन लेके ना हमें आना चाहिए। तो तुम लोग आज मत आओ, कल हम लोग आ जाएंगे तुम्हारे घर। आंटी मुझसे क्या छुपाना, एक्चुअली एक पंडित जी हैं, वो कह रहे हैं कि आज का दिन अच्छा नहीं है प्राची के लिए। आज का दिन तो सच्ची में बहुत भारी है। हेलो रणबीर जी, मैं सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि
कौन किसके घर पे शगुन देने आता है कोई 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 बात नहीं है। एक्चुअली आज का लड़का लड़की तो दोनों ही बराबर होती है, ऐसी कोई दिक्कत है? बहुत प्यारी। सरिता जी मैं क्या बोल रही थी कि एक बार प्राची को दिखा देते ना ये सब, उसकी पसंद भी तो भी नहीं, उसकी ही पसंद होनी चाहिए। दिखा दे सब कुछ। बुला लेती हुई प्राची। प्राची हाँ। नहीं सुनेगी, हेडफोन लेके वो कान में सुन रही होगी गाने। सरिता जी फोन यहाँ है, क्या हेडफोन सुनेगी वो? मैं बुलाती हूँ उसे। कमरे में देख ये फोटो। ये लड़कियाँ भी ना। प्राची प्राची। सरिता जी दरवाजा लॉक है। लॉक है पर क्यों? वैसे तो तेरी एक आवाज पे वो दरवाजा खोल देती है। क्यों तू तो बैठ आ गई हूँ बेटा, मैं आ गई हूँ, प्लीज प्लीज बैठ। क्या हो गया तुझे? बेटा मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या क्या कह रही है? क्या क्या उसने? खुदकुशी, खुदकुशी की रिया ने कोशिश की, रिया ने अपने आप को मारने की कोशिश की। क्या पर क्यों? तो डर मत कर बेटा, तू टेंशन मत ले, रिया को कुछ नहीं होगा। फैमिली है ना उसके पास, वो कुछ नहीं होने देंगे उसे। तो क्या होगा? मेरे उसके पीछे पे आ गई उसको। रणवीर की लाइफ से दूर जाऊं? नहीं तो। नहीं तो क्या? बहुत बुरा होगा। मुझसे कहा था कि मैं उन्हें पापा बुला सकती हूँ, उन्हें ना मुझ पे बहुत भरोसा था, लेकिन अभी वो कह रही। अरे नहीं विक्रम, मैं घर जाऊंगी तो मुझे यहाँ की चिंता रहेगी। मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम लोग जाओ। पर दीदी आप। हाँ मेरी चिंता मत कर, जब मेरा मन करेगा ना मैं आ जाऊंगी। ठीक है पर आप अपना ध्यान रखो। हाँ हाँ मैं रखूंगी। क्या ही हो रहा है हम लोगों के साथ में? अरे ये हालिया इस तरह हड़बड़ाती हुई क्यों गई है? सब ठीक तो है ना? अब बीजी कुछ जरूरी काम आ गया उसे। रिया ठीक है ना? अब ठीक है। बीजी मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर ने परमिशन दी है। लेकिन अभी कोई है उसके साथ? कौन है? उसकी फ्रेंड डिम्पी। फिर मैं मिल के आती हूँ। अब कॉलेज है। क्या मतलब? मतलब दादी एक्चुअली रिया ने कॉलेज में सबके सामने प्राची को थप्पड़ मार दिया था, और तब प्राची ने सबके सामने कॉलेज में रिया से कहा था कि वो रिया का सब कुछ छीन लेगी, और वही तो किया ना दादी उसने, रणवीर को फंसाकर। हाँ एक गलती रिया से भी हुई, उसने प्राची को सबके सामने बहन जी नहीं बुलाना चाहिए था, और तो और ऊपर से उसने प्राची को ये भी कह दिया कि प्राची के पास प्राची के डैड नहीं है। बस ये बात प्राची को इतनी बुरी लग गई और ये बात उसने अपने दिल पे ले ली, जो बात रिया ने बस ऐसे ही कह दी थी पर प्राची ने वो बात पूरी करी रिया से उसके डैड को छीन कर। पता तेरा, रिया ने करवाया था। मैं मानती हूँ मैंने बहुत अनाप शनाप बोला रिया को, लेकिन दूसरे दिन माँ बनकर समझाया भी उसे। मेहरा सर फोन कर, मैसेज कर उन्हें, मैं देखती हूँ तुझसे आते हैं मिलने। तेरी माँ भी है और तू क्यों ले रही उनकी साइड? तेरे पापा नहीं है वो, रिया के पापा है जिसने तेरे जान लेने की कोशिश की उसने, और मैंने इसे पुलिस के हवाले नहीं किया ना, गलती होगी मुझसे, और अब गलती नहीं होगी। लैंडलाइन नंबर लेकर जाती हूँ, मोबाइल नहीं उठाएंगे ना? लैंडलाइन तो उठाना ही पड़ेगा। क्या करिए आप माँ, प्लीज प्लीज मत करिए। आप नहीं माँ, नहीं आप क्या कर रही है माँ, गुस्से में माँ। प्राची शांत, बात करना जरूरी है, तो बैठ। गुस्से में ठीक है घर लेके जाती हूँ, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। आप ले जाओ जल्दी, आप उसको घर ले जाओ, मैं मासी के साथ। और तू कमाल है खड़ा यहाँ पे, माँ ने कहा एक बार दूर हो जा तो दूर हो गया, और हम बार बार कह रहे हैं, विनती कर रहे थे कि प्राची से दूर रहे, तो भूसा भरा था दिमाग। अब बुद्ध की तरह खड़ा क्या, लेके जाओ घर। मैं क्या करूं, मैं छोड़ तू छोड़।
प्राची की मॉम शगुन की तैयारी कर रही है, अब कैसे कहूंगा उनसे कि मेरे पेरेंट्स अगेंस्ट हैं? तुझे क्या लगा मुझे नहीं पता है? हेलो मिस्टर मेहरा, टैक्सी। मिस्टर मेहरा, मिस्टर मेहरा तो घर पे नहीं है। कहाँ गए? वो पापा कंपनी साकेत में जो है उस पे गए हुए। आप कौन? मैं गुस्से वाली हूँ। कौन था? गुस्से वाली? ये कौन? हुआ क्या? ट्रैफिक की आवाज मेरी समझ में नहीं आया, पर अब सोचती हूँ तो लगता है ये प्रज्ञा की आवाज थी। मुझे आवाज में बात दिखी। आपने देखा हॉस्पिटल में किस तरीके से बात कर रहा था? और मेरा गुस्सा होना भी जायज था ना? प्राची ने जिस तरीके से रिया के साथ जो किया है, रणबीर के साथ किया है, हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया। और मम्मी जी आप भी तो धोखा खा गई ना? आपने नहीं देखी ना प्राची की सच्चाई? आज के बाद इस घर में प्राची तो क्या उसकी उसकी परछाई भी आने नहीं दूंगी। दादी, मम्मी जी जब फोन पर बात कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि मिस्टर मेहरा घर पर नहीं है। मतलब प्रज्ञा? प्रज्ञा जी है वो? अरे पर दादी, प्रज्ञा कैसे? मतलब प्रज्ञा अपना नाम बोलती ना कि मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ। अरे कोई और भी तो हो सकता है? उसने जल्दी जल्दी में बोल दिया हो अभी मेहरा की जगह मिस्टर मेहरा। दिक्कत क्यों सुन है? प्रज्ञा प्रज्ञा नहीं होगी, क्योंकि प्रज्ञा अपना नाम बोलती है। तो मम्मी जी क्या बोल रही थी? किसका फोन था? किसका फोन था बोल रही थी वो? किसका फोन था? अदानी भाभी। और मम्मी जी जब बात कर रही थी तो उन्हें लगा कि मतलब मम्मी जी कह रही थी कि मिस्टर मेहरा घर पर नहीं है, इसलिए मुझे भी लगा था कि शायद प्रज्ञा हो सकती है। बट कोई और भी तो हो सकता है ना? मतलब वो पूछ रहा होगा कि अभी मेहरा घर पर है, मम्मी जी ने सुनने में गलती की होगी। और हाँ, वो जो दूसरी साइड फोन पर थी ना, उसको जानना था कि मिस्टर मेहरा कहाँ गए हुए हैं। प्रज्ञा को क्या मतलब है? ताई जी ने बताया कि भाई कहाँ है। हाँ ताई जी, मतलब मम्मी जी ने बता दिया ना, क्योंकि उनको तो पता था कि अभी वो साकेत वाली फैक्ट्री में गया है। गुस्से वाली माँ मतलब प्राची की माँ, और लैंडलाइन पर फोन किया उसने, डांस शो प्रज्ञा ही थी। माँ थी ना, तो प्रज्ञा कैसे हो सकती है? हाँ, अभी प्राची के ऊपर गुस्सा था तो वो प्राची को सुनाना चाहता था। मतलब वो प्राची के पास गया होगा उसे सुनाने के लिए। हो सकता है अभी को ज्यादा गुस्सा आ गया हो, उसने एक थप्पड़ जड़ दिया उसे, तो फिर प्राची की माँ को ना गुस्सा आ गया कि बेटी को थप्पड़ पड़ा है, तो वो अभी से लड़ना चाहती होगी। झगड़ा? मतलब प्राची की माँ और अभी के बीच झगड़ा और ड्रामा? कितने दिनों बाद मतलब इस घर में आते ही ड्रामा देखने को मिलेगा। ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ऑलराइट? यस सर। यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें आपकी फैक्ट्री की बाकी जगह भी देखनी है। हाँ सर, व्हाई नॉट। अगर आपको किसी चीज की हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। ठीक है मनीष, इन्हें बाकी जगह दिखा दो। यस सर। चलिए मैं आपको बाकी की फैक्ट्री की जगह दिखाता हूँ। शिट, दिन आ गया यार, I'm fed up। तुम ना एक नंबर की झूठी हो, तुम फ्रॉड हो। मुझे तुम्हारी तरह बेटी चाहिए ही नहीं, और मैं यही विश करूंगा कि लाइफ में किसी को तुम्हारी जैसी बेटी ना मिले। तुम नहीं समझ सकती हो ना, क्योंकि तुम्हारे डायट तुम्हारे साथ नहीं, अगर होते तो इट बी अशेम, शर्मिंदा होते हो। पता नहीं प्राची के साथ सही किया है गलत, पर उसने जो रिया के साथ किया वो तो गलत ही था, क्राइम था जिसके लिए उसे पुलिस। इससे पहले इतना हर्ट में प्रज्ञा के टाइम हुआ था, पर उसने जो किया वो इंटेंशनली नहीं था, पर जो प्राची ने किया, पर तकलीफ इन दोनों ने दी है, और वो इसलिए क्योंकि प्रज्ञा की तरफ प्राची को भी दिल में जगह दी थी मैंने, अपनी उस बेटी की जगह जो जो प्रज्ञा के पास है।
मेरी माँ, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा सब कुछ है, पर पापा की लाइफ में होने से क्या खुशी होती है ना, ये मुझे मेरा सर से मिलने की बात पता चली। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे, लेकिन मैंने उन्हें खो दिया, अब वो मुझे वापस कभी नहीं अपनाएंगे। पापा का दर्द नजर आ रहा है प्राची को, पर पापा की लाठी इसके और रणबीर के बीच में आ रही है, वो नजर नहीं आ रहा है। कुछ गलत थोड़ी कर सकते, और रिया के लिए ये सब नहीं करेगी। एक मिनट बैठ, इधर आ। सच सच बता, तेरे और प्राची के बीच ये सब कब से चल रहा है? थैंक गॉड कोई 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 तो है इस घर में जो मेरी सुन रहा है। नहीं तो मुझे ढंग से याद नहीं है, बहुत पहले से वो बैंक में रॉबरी हुई थी ना, जब मैंने उसको पहली बार बचाया था, उससे पहले से मुझे लग रहा था लेकिन मैं श्योर नहीं था। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। सीएम अटैक वाले दिन की बात तो नहीं थी ना? तो कॉलेज की मस्ती में हो गया वो, असल जिंदगी अलग होती है। असल जिंदगी में मैं प्राची से प्यार करता हूँ, लेकिन जो अब हो रहा है मेरे साथ वो सच्चा प्यार है दीदा। अच्छा मैं कह रहा हूँ बार बार, तो कुछ तो बात होगी। उत्तर में पल्लवी को कैसे समझाऊंगी? वो समझना ही नहीं चाहती, मेरे दिमाग में कुछ भी बना बना के बोले जा रही है। आप तो समझ सकते हो ना, मम्मी तो कुछ समझ नहीं पा रही, आप अभी नहीं समझ रहे। सिर्फ पल्लो नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझे जवाब देना है। कैसे होगा ये सब? आपके लिए तो मैं हूं ना। तू तो मेरी जान है पुत्र। आप मेरी मुझे मॉम कहता है ना तू? अगर मुझे मॉम कहना चाहता है तो भूल जाऊंगा जी को। पल्लवी, पुत्र, पल्लवी, अगर प्राची का नाम दोबारा इस घर में लिया तो मेरा मरा मुंह देखेगा। अगर मुझे मॉम कहना चाहता है तो भूल जा प्राची को। उसे हॉस्पिटल ले जाना है तो गाड़ी तक ले आओ, ले जाती हूँ मैं उसे हॉस्पिटल। हाँ लेके आओ, लेके आओ। थैंक गॉड, अब प्रज्ञा को हॉस्पिटल में छोड़कर चली जाऊंगी। ये कौन है? ये क्या किया मैंने? भाई को प्राची के पास भेजा ये सोच के कि भाई उसे उल्टा सीधा सुनाएंगे तो उन सबसे हमारा पीछा छूट जाएगा, पर यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। मैंने ये नहीं सोचा कि प्रज्ञा चुप बैठने वालों में से नहीं है। अगर प्रज्ञा और भाई मिल गए तो रिश्ता टूटने की बजाय रिश्ता जुड़ जाएगा। रिया, एक काम करती हूँ, भाई को कहती हूँ कि रिया के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई है और वो भाई से मिलना चाहती है। भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? फैक्ट्री कॉल करती हूँ। एक काम करो मनीष, फैक्ट्री की लाइट्स ऑफ हो गई ना तो भाई को रोकना मत, चाहे काम कितना जरूरी क्यों ना हो। समझ गए? लेकिन मैम फैक्ट्री में लाइट क्यों जाएगी? क्योंकि ऐसा तुम करोगे। आलिया मैम, लेकिन मैं मेन स्विच ऑफ क्यों करूंगा? सवाल मत पूछो, जो कह रही हूँ वो करो। लिसन, तुम्हें दो चीजें करनी है, फैक्ट्री की मेन पावर ऑफ करनी है और दूसरी, फैक्ट्री में कोई भी औरत आए ना तो उसे भाई से मिलने मत देना। सिक्योरिटी गार्ड को समझा दो अभी। हेलो 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 आलिया मैम, हेलो। ये आलिया मैम ने क्या कहा कुछ समझ में नहीं आया। लेडी पावर ऑफ मेहरा सर, ये तीनों का क्या कनेक्शन है? कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसे ना लिफ्ट चाहिए थी इसलिए इसने ये सब जानबूझ के किया है।
जिससे रिश्ता तोड़ कर आए हो उससे खून का रिश्ता है मेरा। प्राची मेरी मेरी बेटी है। आप बहुत अच्छा लगेगा, देखिए जूते भी मैच करते। पता है मेरी माँ हमेशा कहती है खाना खाओ अपनी पसंद का पर कपड़े पहनो दूसरों की पसंद के। बहुत सारे लोग हैं पार्टी में पर ऐसा एक ही इंसान है जो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं सर। प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मेरा यकीन कीजिए पापा। What the hell is this? मैडम एक्सक्यूज मी, मैडम आपने क्या किया? आपकी आंखें हैं या नहीं? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? कोई भी हो, आई डोंट केयर। यू शुड, तुम्हें केयर करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। अभी तो गाड़ी पे सिर्फ डेंट लगे हैं वरना गाड़ी के शीशे भी टूटे हुए मिलेंगे। गेट आउट फ्रॉम हियर। बेटी से कह दिया ना कि अच्छा हुआ उसके पापा उसके साथ नहीं है। उसके पापा उसके साथ नहीं है ये अच्छी बात है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आप जैसे इंसान उसके पापा नहीं है ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप किसी को लेक्चर दे सकते, ताने दे सकते, शायद जरूरत आने में पैसे दे दें, लेकिन प्यार नहीं दे सकते। मेरी बच्ची को इतना सुनाया और वो भी किसने, जिसने खुद उससे कहा था कि तुम मुझे पापा बुला सकते हो। उससे आप एक अच्छी बेटी बनने की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन आप अच्छे पिता नहीं बनेंगे। रिश्ता चाहे सगा हो या मुंह बोला, कोई पिता अपनी बेटी के साथ इतना गलत नहीं करता जितना आपने किया है। और मेरी बेटी के पास तो बिल्कुल मत आइएगा, मैं आपको वार्निंग दे रही हूं। और आपने मेरी बेटी से कहा ना कि उसके पापा उसके साथ नहीं है, अच्छा है, क्योंकि अगर वो होते तो उन्हें शर्म आ जाती। अच्छा हुआ आप मेरी बेटी के पिता नहीं तो मुझे शर्म आ जाती। अगर आपने मेरी बेटी को कोई अच्छी नसीहत दी होती है ना, मैं आपकी सारी बातें सुन लेती, लेकिन आपको जो कहना था ना आप मेरी बेटी से कह चुके हो, अब एक और शब्द नहीं। रिया के फादर, रिया के फादर मेरा मैं हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि प्राची तुम्हारी बेटी है। मुझे हमेशा लगता था कि वो सरिता जी की बेटी अनुराधा जी की बेटी। नहीं, वो सरिता जी की बेटी का नाम अनुराधा है और वो मुझे अपनी बेटी जैसी मानती है, तो आपको कंफ्यूजन हो गया होगा और आपको लगा कि मैं ही मेरी बेटी है। क्या मेरी बेटी है? हमारी हमारी मैंने अपनी बेटी को इतना सब कुछ सुना दिया। मैंने रिया से क्या कुछ नहीं कहा, मैंने मैंने उसे कहा कि मैं प्राची मेरी बेटी। और वो आपसे मिलती रही, वो पता है मुझे कितनी बातें बताती थी आपकी, हमेशा आपकी बातें करती थी और मैं मिलने वाली थी आपसे, और लेकिन वो कुछ हमेशा कुछ हम इतनी बार मिले, I mean जब भी मिले किसी ना किसी वजह से हम पता ही नहीं लगा पाए कि एक्चुअली सच बताओ ना तो गलती मेरी है। मैंने ठीक से यही परवरिश नहीं की। I wasn't good father. पर वो इतनी बुरी भी नहीं है जितना कि तुम समझती हो। She is a nice girl by heart. सीधी है, थोड़ी थोड़ी नकचड़ी है, थोड़ी सब कुछ है, पर जो प्राची का फैसला है मैं उसके साथ। आज से प्राची से हमारा हर रिश्ता खत्म और तेरा भी। क्या मैं तुम्हें रिंग पहना सकता हूँ? अगर प्राची का नाम दोबारा इस घर में लिया तो मेरा मरा मुंह देखेगा। अगर मुझे मॉम कहना चाहता है तो भूल जा प्राची को। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तू प्राची की शक्ल नहीं देखेगा। मैं क्या करूं? प्राची को जीत जाऊं और माँ को हार जाऊं? मैं नहीं हारना चाहता। मैं दोनों में से किसी को हारना नहीं चाहता। मैं, 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 मैं...
मैं क्या करूं, मैं कहां फंस गया यार। तूने प्राची से बात की है? क्या बोलूंगा प्राची को यार, क्या बोलूं? वो बेचारी मेरा फोन का वेट कर रही है, समझ नहीं आ रहा कि फोन करके बोलूं क्या, बताऊं कैसे। तब तू उसे फोन लगा, कुछ ना कुछ सलूशन निकल आएगा। बोलूंगा मैं आर्यन, बात कर, बस बात कर, सलूशन निकल जाएगा, एक बार लगा के तो दे। कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आती, उसने तो कभी कोई हिंट भी नहीं दी कुछ। एक सेकंड रुको, तुम्हारी कोई गलती नहीं है किसी चीज में, तुम प्लीज तुम रोना बंद करो ना, तुम रो क्यों रही हो? रोना आ रहा है तो क्या करूं, कोशिश की मैंने, नहीं रुक पा रही। सबसे सबसे ज्यादा दुख की बात पता है क्या है, आज मेरी वजह से कई आंखें नम है। माँ हमेशा कहती लाइफ में कुछ भी कर पर ऐसा कोई काम मत करना जिससे किसी की आंखों में आंसू आए। आज मेरी वजह से रिया और टेरन भी, मेरी वजह से। रिया को लेके परेशान है, यहाँ माँ को मैंने सब बता के परेशान कर दिया, सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से हुआ है। कोई गलती नहीं है तेरी, और प्रज्ञा जो कर रही है वो सही कर रही है। तू अगर ऐसे बैठ के पछताएगी ना तो उसकी बात हल्की हो जाएगी, उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्या तू चाहती है तेरी माँ शर्मिंदा हो? पर मैं... देख बेटा, तू सही है गलत मैं नहीं जानती, पर एक बात जानती, प्रज्ञा कभी गलत नहीं हो सकती। कोई भी माँ अपने औलाद के लिए जो भी करे वो कभी गलत नहीं होता। चल दूध पी ले। वो मेरे साथ रही है, बिल्कुल मेरी तरह है ना वो, मैं जानता हूँ, अपने आप को भी जानता हूँ, मैं आप इससे ज्यादा क्या कहूँ। और ऐसे आप नहीं जानते रियल, इससे पहले देखो मैं जानता हूँ प्राची के साथ बहुत बुरा हुआ और उसमें मेरा भी हाथ है, नो आई हैड इट रॉन्ग, लेकिन रिया फिलहाल अपने लाइफ के लिए लड़ रही है। उसके बारे में और सुनने के बाद ना मुझे बहुत तकलीफ होगी, इसलिए प्लीज उसके बारे में कुछ मत बोलो। अब तुम सोचो, अगर रिया तुम्हारे साथ रह रही होती और मैं कुछ बुरा बोलता तो कैसा लगता तुम्हें? How would you feel? I'm sorry. मैं समझ सकती हूँ, नहीं आपने पाला है उसे, आपको बुरा लग रहा होगा। इस बात पे हम नहीं लड़ेंगे, ठीक है? आपको इससे आपसे दोनों को एक दूसरे का प्यार मिल गया तो किसी और की क्या परवाह दोनों को। तुम समझ नहीं रही हो क्या आलिया, प्राची और रिया बहने हैं, they are real sisters। मैं भी तो यही बोल रही हूँ भाई, प्राची रिया बहने हैं, पर आपको मेरा मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ पर आप हमेशा मुझे चुप करा देते हैं। आपको मैं बता रही हूँ कि रिया क्या फील कर रही है, किस फीलिंग लो डिप्रेस फील कर रही है, रिया क्या फील कर रही है मैं समझ गई, पर आप नहीं समझे। वो ये समझ गई कि आप उससे ज्यादा प्यार प्राची से करते हैं। पर प्राची भी तो मेरी बेटी है ना। वो बेटी जो प्रज्ञा के पास थी। How does it matter, आदिया? दोनों बहनें हैं, real sisters। भाई रियल लगा कि आप उसे लेने वापस जाएंगे, पर आप नहीं गए क्योंकि आपका भी गुस्सा और आपका भी ईगो है। ये अपने आप वापस नहीं आई क्योंकि इसे आपसे गुस्सा था भाई, पर आपका गुस्सा भी तो कुछ कम नहीं है भाई, आप नहीं गए और प्रज्ञा का गुस्सा बढ़ता गया हर दिन, हर महीने, हर साल। और जब ये दिल्ली वापस आई तो गुस्से की वजह से आपसे मिलने वापस नहीं आई। भाई गुस्सा सबको आता है, आपको भी आता है, लेकिन आपका गुस्सा यूं आता है और यूं चला जाता है, लेकिन प्रज्ञा तुम्हारा गुस्सा पेड़ की जड़ की तरह है जो जितना पुराना होता है ना उतना ही स्ट्रांग होते जाता है। तुम रिया से नहीं मिलना चाहती थी क्योंकि तुम भाई के साथ बदला लेना चाहती थी, तो कहना ये गलत नहीं होगा क्या? आपने सुना ना माया क्या कह रही थी? रिया आग में जल रही थी, रो रही थी, आपको बुला रही थी, बोल रही थी कि मुझे बचा लीजिए डैड। वो बेटी अपने आप को मारने की कोशिश कर रही थी जिस बेटी को आपने इतने नाजुक से पाला है, और वो अपनी जान सिर्फ
प्राची की वजह से लेना चाहे। शट अप आलिया, प्राची ने कुछ नहीं किया, शी इज इनोसेंट। वो इनोसेंट है तो रिया ने ऐसा क्यों कहा कि प्राची उसकी लाइफ बर्बाद करना चाहती है? कैसी माँ हो तुम, एक बेटी को झूठी और एक बेटी को सच्ची कह रही हो? रिया ने सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले प्राची का नाम क्यों लिया? तो इसमें भी हमारी ही परवरिश की गलती है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं। तुमने प्राची को उसके खिलाफ तैयार किया, उसके खिलाफ खड़ा किया। तुम एक फैमिली को दूसरी फैमिली से काटना चाहती थी, खत्म करना चाहती थी हमारी फैमिली को। इनफ आलिया, इनफ भाई, बस बहुत हो गया। मुझे रिया की हालत देख ही नहीं जा रही। मेरा भी रिया पे उतना ही हक है जितना आपका है। मैं आपको बताती रही कि रिया इज नॉट फीलिंग गुड अबाउट प्राची, पर आप मुझे हमेशा चुप कराते रहे। मुझे चुप कराने के चक्कर में हमारी रिया हमेशा के लिए खामोश होने वाली थी। आलिया तुम, I will not shut up now, भाई। Security! Security! तुम कर क्या रही हो? What are you doing? मैं कुछ भी करूँ ना भाई, आप मुझे नहीं रोकेगी, क्योंकि जब जब आपने मुझे रोका है हमेशा तकलीफ रिया को हुई है। इतना कुछ डेस्टिनी को समझो प्रज्ञा, अगर तुम दोनों साथ में आए ना तो यही सब होगा। सब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। मैं जैसे भी हूं ना, मैं संभाल लूंगी जैसे अब तक संभालती आई हूं। मुझे मेरी प्रिया की परवरिश की कीमत दे दो, जाओ यहां से, प्लीज चली जाओ, प्लीज। बस मत करो आलिया, और रहे वो माँ है रिया की, वो क्यों जाएगी यहां से? मैं चाहे उसे जो कुछ भी बोलूं, तुम्हें कोई हक नहीं उसे कुछ भी बोलने का, इसलिए दोबारा उसे कुछ भी कहा ना तो मैं इसे तुम बिन मां के छोड़ के चली गई थी। तुम ही ने सब किया है, सब तुम्हारी गलती है। हॉस्पिटल बेड पर है, वो घर आना चाहती है, लेकिन डॉक्टर उसे डिस्चार्ज नहीं दे रहे। रिया इज नॉट फीलिंग गुड अबाउट प्राची, और आप मुझे हमेशा चुप कराते रहे। मुझे चुप कराने के चक्कर में हमारी रिया हमेशा के लिए खामोश होने वाली थी। Enough! अब कुछ नहीं बोलोगे तुम। वो जानती थी कि रिया आपकी बेटी है। उसने पूछा था कैजुअली, ये नाम फोटो तो नहीं पूछा था। फिर तो मैं और भी सही हूँ भाई। एक माँ अपनी बेटी के बारे में नहीं जानना चाहती थी भाई। बात को समझिए भाई, वो चाहती ही नहीं थी उसका नाम लेना। वो चाहती ही नहीं थी कि आपको पता चले, क्योंकि वो आपसे सिर्फ अपना बदला लेना चाहती थी। क्या बदला लगा रखा है तुम्हें? कुछ से ज्यादा जानता हूँ मैं उसे, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। और किस बात का बदला लेगी वो उनसे? अपनी बेटी कियारा का बदला लेना चाहती है। आपको जिम्मेदार समझती है उसकी मौत का। अभिषेक प्रेम मेहरा को इसीलिए छोड़ के चली गई थी ना वो आपको। वो दर्द महसूस हो प्राची को मोहरा बनाकर भाई। रिया को छींक आती है तो पैनिक कौन करता है? रिया को खून निकलता है तो जान किसकी जाती है? उसके आंखों से आंसू आते हैं तो कौन तड़पता है भाई? आप। और वो ये बात अच्छे से जानती है। इसे ही बदला कहते हैं भाई। वो आपसे बदला लेना चाहती है, आपकी रिया को छींक कर। इंसान जब बदले में पागल हो जाता है ना भाई, तो रिश्ते नाते को नहीं देखता है, सिर्फ अपने मकसद को आगे रखता है, सिर्फ अपने मकसद को। यह ऐसा कहे क्योंकि ये मेरे पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है ब्रो, मुझे करना ही पड़ेगा। मैं कुछ बोलूंगा उसको, जाके ब्रेन वॉश करूंगा और आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ करके मान जाएंगे यार। और मुझे ये जाके हॉस्पिटल में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गई एक बार तो इतना बड़ा मैस हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। ओके, बट यार आई नो मैं कुछ कर लूंगा। यहाँ से हॉस्पिटल जाने मुझे लगेंगे 35 मिनट। 35 मिनट में मैं कुछ ऐसा सोचूंगा जो काम कर जाए, उसको कुछ ऐसा समझाऊंगा दैट इट हैज टू वर्क। ओके एंड थैंक यू ब्रो हर चीज के लिए। ओके, हाँ रह गई माँ, अब तक तो आ जाना चाहिए। ए मैडम, मरना है क्या? साइड में चलो। ऑटो,
सिटी हॉस्पिटल। मैडम को मोहरा बनाकर भाई इसे ही बदला कहते हैं भाई। आपसे बदला लेना चाहती है आपके रिया को छीन कर। इंसान जब बदले में पागल हो जाता है ना भाई, तो रिश्ते नाते को नहीं देखता है, सिर्फ अपने मकसद को आगे रखता है। वो लेडी कहाँ है, प्रज्ञा कहाँ है? वो मैम तो चली गई है। इतना सुनाने के बाद भी प्रज्ञा से ही सुनना चाहते हैं। हालांकि इतना सुनाने के बाद तो पत्थर दिल भी फट जाएगा। वो तो प्रज्ञा है। आपको पेन हो रहा है ना, इसलिए मैं आपको इंजेक्शन लगा रही हूँ। आप थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। नहीं, नहीं, मत लगा। डन। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना, घर जाना है मुझे। मैं खुद सब कुछ ठीक करने से पहले मैं दो बहनों के बीच की दूरी दूर करना चाहती थी और कुछ नहीं ठीक कर पाई। ना माँ बेटी की दूरी, ना दो बहनों की दूरी कुछ ठीक करती। मैं जानती हूँ वो गलत फैसला था। उसे हमारे गलत फैसले की सजा हमारी दोनों बेटियां भुगत रही हैं, क्योंकि हम सबको एक साथ होना चाहिए। हम दोनों को हमारी दोनों बेटियों के साथ होना चाहिए। I'm so sorry. I'm so sorry. मुझे माफ कर दो। प्रिया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। I'm so sorry. Thank you.
आज भी जब मैं डर जाती हूँ तो मैं माँ का नाम लेती हूँ, लेकिन क्या फायदा, वो तो कभी थी ही नहीं और कभी आएंगी भी नहीं। एक सेकंड, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं हुआ है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। I know टीको की वो, मैं ढूंढ रही हूँ उन्हें। She's okay, okay? तुम रोना बंद करो। मैं बाद में बात करूँ रणवीर, तुम एक मिनट, तुम मिले उनसे? हाँ, मैं मिला उनसे। कहाँ है वो? माँ कहाँ है रणवीर? मैं उनसे। हाँ, कहाँ है वो? वो सिटी हॉस्पिटल के बाहर है, तो वो ठीक है, मैं मिला हूँ थोड़ी देर पहले उनसे। इट्स ओके, काम डाउन। सिटी हॉस्पिटल, ओके बाय, थैंक यू। सिटी हॉस्पिटल जाना है मुझे। ये एसी को क्या हुआ है? सुनो प्राची, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। जिस नहीं कहा जाए सिटी हॉस्पिटल के पास। चलो मैं छोड़ देता हूँ। कुछ बोलती नहीं, बस पापा कह के गले लग जाती। मेरी बेटी मेरे सामने रही और मुझे पता नहीं चला। सॉरी प्रज्ञा, हमेशा की तरह मुझे तुम पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। खुद प्राची से कहा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करे, मुझे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। तुम ही बताना प्राची को मेरे बारे में। मैं नहीं चाहता मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूटे। हेलो आर्यन, मेरी बात रिया से कराओ। मैं अभी हॉस्पिटल में नहीं हूँ। व्हाट? तुम रिया को इस हाल में कैसे छोड़ सकते हो आर्यन? आई आस्क्ड यू टू स्टे देयर। हाँ, बट वो थोड़ी भूख लगी थी इसीलिए मैं आ गया। हॉस्पिटल में भी कैफेज है डैमेज, घर जाने की क्या जरूरत थी? हाँ? तुम भी ना कभी कभी ऐसी फूलिश हरकतें करते हो आ रही है। मम, अगर आपको रिया के बारे में जानना है तो मैं अभी रणवीर से पूछ के आपको बता देना। अगर आप कॉल 2 सेकंड होल्ड करें, वो अभी वहीं पर है। और उसने फोन नहीं उठाया तो? अरे मॉम, किसी का उठाए ना उठाए रणवीर मेरा जरूर उठा लेता है कॉल। आप मुझे अगर 2 सेकंड देंगे आपको अभी होल्ड पे डाल के उसे पूछ के आपको वापस बताऊं। ऑलराइट, बात करा। 1 सेकंड, मेरी अभी रणवीर से बात हुई थी, लेकिन अगर मॉम मैं वहाँ होता तो भी आपकी बात रिया से नहीं करवा पाता। क्यों? क्योंकि उसे इंजेक्शन दिया है ना, वो सो रही है। और रणवीर बता रहा था कि प्राची की मॉम भी आई थी उससे बात करने, लेकिन उनकी भी बात रह गई, वो भी नहीं कर पाई बात। ओके ओके, हॉस्पिटल पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट है। आई होप प्रज्ञा वहां से निकल गई, और अगर वो नहीं निकली है ना और रिया के होश में आने का वेट कर रही है तो मैं उसे रिया से नहीं मिलने दूंगी किसी भी हाल में नहीं। क्या हुआ बेटी? क्या कहा आपने? तुम्हारा फोन। तुम मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो? तुम्हें चोट लगी है, दर्द हो रहा होगा। नहीं, दर्द नहीं हो रहा। दर्द नहीं हो रहा तो रो क्यों रही हो तुम?
मुझे पट्टी बांधने दो। पता है कुछ हमसे ना कुछ नहीं छुपता, ठीक है? माँ बाप जो होते हैं ना उन्हें सब पता चल जाते हैं। अरे बाप हो तुम दो। तुम बस कुछ 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 मत बोलो, ठीक है? और इस पर ज्यादा वेट मत देना। जब मुझे चोट लगती है तो माँ भी ऐसे ही पैनिक होती है। तुम मिले कर रही, बी वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम श्योर। I am proud of you. Naz se mujhe tum par प्रज्ञा को रिया से मिलने से रोक नहीं पाई थी, लेकिन इसे और इसकी बेटी को घर आने से रोकना होगा, क्योंकि अगर रिया को प्रज्ञा में फिर से माँ की ममता दिख गई और भाई को प्रज्ञा में फिर से अपनी पुरानी फुग्गी दिख गई, तो इन दोनों को घर में आने से नहीं रोक पाऊंगी मैं। प्राची प्रज्ञा की बेटी है, इसका मतलब प्राची और रिया बहने, रियल सिस्टर्स। वो माँ है रिया की, वो क्यों जाएगी यहाँ से? अब कुछ नहीं बोलोगे तुम और प्रज्ञा के बारे में कुछ नहीं। जैसे इसकी बेटी का एक्शन करवाया था, बस उसी तरह से ही प्रज्ञा का भी एक्शन कर देती हूँ। बस मुझे कोई देखे ना। आपको जब दर्द होता है ना तो बच्चों को भी पता चलता है। मैं पानी लेके आती हूँ, मैं पानी लेके आती हूँ। ये क्या कर रहे थे आप? अगर आपकी जान हम ही चली जाती ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता। तो मेरे लिए क्या हुआ अगर ये बताना पड़े तो? इतने भी दुख नहीं हुए हम। मैं बोलूं कि मुझे यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे मुझे घर जाने। रणबीर प्लीज कैन यू जस्ट डू दिस फॉर मी, प्लीज 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 रणबीर। ठीक है, मैं डिस्चार्ज पेपर्स की बात करके आता हूँ। नो वरी, तुम ठीक हो जाओ, ठीक है? रणबीर, अरे अरे क्या, अब क्या हुआ? मैं भी चलती हूँ ना, मैं डॉक्टर से बात करूंगी, उन्हें ऐसे चलती फिरती नजर आऊंगी तो। अरे तुम बैठो, आराम करो, मैं करूंगा बात। रणबीर प्लीज, ओके ओके ओके, तुम्हें चलना है, चल ध्यान से। प्राची भी जब से आई तब से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रही है। अगर भाई ने मुझे देख भी लिया है तो क्या हुआ? एक्सीडेंट तो प्रूफ तब होगा ना जब मैं मानूंगी। बट मेरी कार को देखकर भाई समझ जाएंगे, ही विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। क्या करूं? हेलो, घर के बैकयार्ड पे मिलो अभी। हाँ वही मिलती हूँ मैं तुमसे। अब नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? मतलब आपने प्राची को पानी? चलो तो मैं घर छोड़ देता हूँ। नहीं, हम टैक्सी ले लेंगे। टैक्सी ले लेंगे मतलब साकर ही हो क्या? आराम से। चाय के लिए नहीं पूछोगे तो चलेगा, लेकिन घर तो छोड़ने दो। सर कह रहे तो चलते हैं। तुम पीछे बैठो। अगर इतनी दिक्कत है हमसे तो किसी और से ही करवा लो, जा रहा हूँ मैं। ये चला गया तो इतनी रात को दूसरा मैकेनिक कैसे मिलेगा? अरे रुको, इधर आओ। वो काम के बारे में सोच रही थी और स्ट्रेस था काम का, इसलिए पूरा गुस्सा तुम पे उतार दिया। तो मैडम अपनी परेशानी का हल निकालो ना,
मुझे क्या सुना रहे हो? ठीक है, आई एम सॉरी, ये लो चाबी और ये जो डेंट और स्क्रैचेस हैं सब ठीक कर देना। ठीक है। अब मैं सेफ हूँ, पहले भी सेफ ही थी, पर स्क्रैचेस का डर था। प्रज्ञा, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो भाई बीच में आ गए, वरना आज तुम्हारा चैप्टर क्लोज ही कर देती।